हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और आज का जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज जो आपकी मैथ लैब होती है 20 मार्क्स की, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करते हैं या हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आवर टॉपिक इज हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो ये समझो कि रैशनलाइजेशन होती क्या है। जब किसी भी फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया होता है, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के मेथड को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये है प्रोसेस आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का। इसमें टोटल हमने 6 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग हर एक टाइप के एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या होता है, वो करने का लॉजिक क्या होता है। आपके एग्जाम्स में इन्हीं टाइप में से जो 6 टाइप्स है इसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। टाइप वन क्या है? 6√5, 6/√5। यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर है वहां पे सिंगल रूट है। सिंगल रूट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है मेथड? 6/√5। इसको सेम इसके रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ रूट फाइव का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है? रूट फाइव का रैशनलाइजेशन फैक्टर रूट फाइव ही है। ठीक है, तो रूट फाइव से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा? 6√5। रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या होगा? 5 होगा। तो दिस इज आवर आंसर। अच्छा, एक मेथड यहाँ पे ये भी सीख लो कि रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज इक्वल टू 5 क्यों होता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं एग्जाम में आपके वाइवा में, मैथ लैब में, कि रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज इक्वल टू 5 क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम लोग ने क्या देखा है, जनरली स्टूडेंट रट लेते हैं, ठीक है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव 5, रूट सेवन इंटू रूट सेवन 7। ठीक है, बट ये नहीं होता है लॉजिक। इसका जो लॉजिक होता है ये है कि रूट फाइव ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 1/2, इसको भी लिख सकते हैं 5 1/2। और आपके 1.6 जो एक्सरसाइज है उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर बेस सेम होता है, बेस अगर सेम है तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं, राइट। तो 1/2 + 1/2 पावर को ऐड कर दिया, 1/2 1/2 कितना हुआ? 1 हो गया। तो आंसर कितना आया? 5 to power 1 = 5। तो ये है लॉजिक रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज इक्वल टू 5 का। होप कि अब आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि हम लोग रूट फाइव इंटू रूट फाइव को 5 क्यों बोलते हैं या रूट सेवन इंटू रूट सेवन को 7 क्यों बोलते हैं। अभी हमने टाइप वन में देखा कि अगर फ्रैक्शन में सिंगल रूट है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप वन का ही ये सेकेंड पार्ट है कि अगर फ्रैक्शन में सिंगल रूट है लेकिन उस रूट की भी कोई पावर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक मेथड होता है, एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को पहले समझते हैं। जो पावर दी हुई है, जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे m m = 4। और अब हम लोग जो पावर, जो नंबर रूट के अंदर दिया हुआ है उसके अंदर ऊपर भी एक पावर लगाते हैं, वो पावर क्या होती है? m - 1 होती है। इट मीन्स 4 - 1 = 3, ये होगी उसकी पावर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। 9/4√3। और इसका अब रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? अगर हम ये लिख देंगे कि सेम, जैसे हमने क्वेश्चन वन में देखा था, टाइप वन में देखा था कि सेम से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इरेशनल नंबर, अगर हम सेम मेथड से यहाँ पे करेंगे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको करने के लिए देखो मेथड समझो इसका, ये 4, ठीक है, 4 है यहाँ पे, 3 4 - 1, अभी बताया ना कि जो भी पावर दी होती है उसका 4 - 1, वो उसको अगर एम है तो ये 4 - 1, मतलब 4 - 1 = 3। ये भी सेम रहेगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर जो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम होता है। तो यहाँ पर भी 4 था यहाँ पे, तो ये 4 - 1 = 3 हो गया। ये हो गया, अब आपको इसको सॉल्व करना है।
अगर आप सेम जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको उससे करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। गलत क्यों होता है ये देखो, पहले पहले तो ये समझो कि जैसे कि हम लोग करते हैं रूट फाइव को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5 1/2, जहां पे पावर कुछ नहीं होती है वहां पे 1/2 हो गया, ठीक है, सिंगल रूट में 1/2 हो गया। तो अगर ये है √3 जो है इसका पावर 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9/3 1/4 4 3 3, इसको भी सॉल्व करो, 3 3/4, 3 1/4 और 3 3/4 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1/4 3/4 कितना होता है, 1 होता है, तो 3 to power 1। अब समझ में आया कि 9 into 4 3 power 3 upon 3, 3 हो गया, 3 3 is 9, तो आंसर कितना हो गया, 3 4 3 to power 3, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते, तो देखो क्या होता, 3 1/4 into 3 1/4, तो 3 1/4 3 1/4 कितना होता, 3 1/2, हमें कहीं से भी पावर में 1 नहीं मिलता। टाइप 2 का क्वेश्चन देखो, अब टाइप 2 में जो क्वेश्चन बनता है वो है √7 - 2, 1 upon √7 - 2। यहाँ पे हमें प्लस या माइनस साइन दिया होता है, मतलब रूट भी दिया हुआ है और एक साइन के साथ इंटीजर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट तो वही है कि हम लोग सेम डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। बस एक कंडीशन है कि जो साइन होगा, साइन कन्वेंशन होगा, वो उसका अपोजिट होगा। अगर √7 - 2 है तो वो √7 + 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, √7 + 2 upon √7 + 2। ओके, ये हो गया 1 into √7 + 2, तो √7 + 2 ही रह गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया, a - b a + b, ये लगा है आपका फॉर्मूला, a - b a + b, क्या होता है फॉर्मूले में, a² - b²। तो √7² - 2² आंसर कितना आया, √7 + 2, √7² - 7 और 2² = 4, √7 + 2 = 4 7 - 4 = 3, तो दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, इसमें हम लोग जो भी डिनोमिनेटर में दिया होता है साइन के साथ अगर, तो उसका अपोजिट लेते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग माइनस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते, सेम डिनोमिनेटर विद द माइनस साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे माइनस दिया हुआ था इसीलिए हम लोग ने सेम डिनोमिनेटर लिया है, बट ऊपर और नीचे हमने प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लिया उसको। ओके, होप आपको टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आया होगा। टाइप 3 को अब हम देखते हैं। टाइप 3 में देखो, यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन के साथ 2 इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो, √5 + √3। अभी जैसे ऊपर किया है टाइप 2 में, उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, सेम डिनोमिनेटर विद द माइनस साइन, √5 - √3। ओके, यहां पर भी √5 - √3। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे √5, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, -√3। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ब्रैकेट कर सकते थे, क्योंकि जब प्लस और माइनस साइन आता है तो हम लोग बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे देखो, √5 - +√3 √5 - √3,
न्यूमरेटर तो आपके ऐसे ही उतर जाएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से वही फॉर्मूला आया a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। रूट फाइव का स्क्वायर जो होता है वो है आपका टू, रूट थ्री का स्क्वायर जो है वो है आपका थ्री, फाइव माइनस रूट थ्री, न्यूमरेटर एज इट इज उतर गया, डिनोमिनेटर में फाइव का स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, फाइव माइनस थ्री कितना होता है आपका टू होता है, ठीक है, तो उस टू से ये टू कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हमें क्या मिला, रूट फाइव माइनस रूट थ्री, दिस इज योर आंसर। एक बार फिर से देखो, यहां पे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर था वहां पे प्लस साइन था, इसीलिए हमने यहां पे माइनस साइन के साथ ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो हमें मिल गया टू अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री ब्रैकेट क्लोज, नीचे मिल गया रूट फाइव प्लस रूट थ्री रूट फाइव माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहां पे हमने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां पे फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू, टू से टू कैंसिल हो गया, फाइव अंडर रूट फाइव माइनस थ्री अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री, ये है हमारा आंसर। ओके, होप आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। टाइप फोर, टाइप फोर में देखो क्या है कि हमें एक जो इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर के आगे कोफिशियंट दिया हुआ है, देख रहे हो ना डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर के आगे एक कोफिशियंट भी दिया हुआ है, दिस इज आवर टाइप फोर। अब देख लो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सेम मेथड अप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर दिया है उसी फैक्टर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे विद द अपोजिट साइन। ओके देखो करते हैं इसको, उसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे विद द अपोजिट साइन, तो कितना हो जाएगा फाइव माइनस थ्री रूट टू अपॉन फाइव माइनस थ्री रूट टू। अब देखो वन इंटू फाइव माइनस थ्री रूट टू, ये तो ऐसे ही लिख देंगे फाइव माइनस थ्री रूट टू होल अपॉन ब्रैकेट लगाओ फाइव प्लस थ्री रूट टू, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था और इसका फैक्टर जो हुआ ये हुआ फाइव माइनस थ्री रूट टू। फिर से देखो ये हो गया फाइव माइनस थ्री रूट टू और ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है फाइव का स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या है थ्री रूट टू इसका स्क्वायर है, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, फाइव माइनस थ्री रूट टू, फाइव का स्क्वायर 25 होता है, माइनस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जर नाइन, ओके टू अंडर रूट टू का स्क्वायर टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू टू, तो नाइन इंटू टू एटीन आया, तो हमारे पास क्या आया आंसर फाइव माइनस थ्री रूट टू, ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन इज इक्वल टू सेवन, सो दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं ना हम, जो भी दिया हुआ है डिनोमिनेटर में उसी के रैशनलाइजेशन फैक्टर के अपोजिट साइन से सेम फैक्टर ले रहे हैं, सिर्फ उसमें साइन चेंज कर रहे हैं और हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। ओके सब में हम लोग ने यही किया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइप फाइव क्या है, टाइप फाइव में हमारा ऊपर भी मतलब न्यूमरेटर में भी इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में भी इरेशनल नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर अगर न्यूमरेटर में अगर इरेशनल नंबर होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो मोटिव है वो ये होता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें वो रिमूव करना होता है, ठीक है, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो एज इट इज रहने दो और जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे हमारा क्या लिखा है रूट थ्री माइनस रूट टू, तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा रूट थ्री प्लस रूट टू, सेम फैक्टर विद द अपोजिट साइन, ठीक है, उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना बताया रूट थ्री प्लस रूट टू, यहां पर भी रूट थ्री प्लस रूट टू, ये कहां से आया यहां पे दिया हुआ है रूट थ्री माइनस रूट टू, तो रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया रूट थ्री प्लस रूट टू,
रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में रूट थ्री प्लस रूट टू, यहां पर भी एक ब्रैकेट क्लोज, यहां पर भी एक ब्रैकेट क्लोज, सेम टर्म्स हैं तो हम लोग सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, रूट थ्री प्लस रूट टू, दो बार न लिख के उसका स्क्वायर कर दिया। ओके, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। और यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन यहां पे हमें क्या मिला, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें, अब हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग वहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या सा लगेगा वहां पे, ये क्या हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर, याद ही होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी यहां पे लिख दे रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो देखो अब यहां पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री इंटू रूट टू, ये हो गया। इस वाले ब्रैकेट को हमने इस फॉर्मूले से ओपन कर दिया। नीचे क्या लगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर में देखो, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू प्लस टू, रूट थ्री इंटू रूट टू कितना हो गया, रूट सिक्स हो गया। और नीचे क्या आ गया, नीचे आपका वन आ गया। तो हमें आंसर में क्या मिला, आंसर हमें मिला थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू रूट सिक्स, दिस इज आवर आंसर। तो जहां पर भी ऊपर भी अगर न्यूमरेटर में भी अगर आपका इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो तो जब हम लोग रेशनलाइज डिनोमिनेटर करते हैं तो वो उस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगा के उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, टाइप सिक्स, टाइप सिक्स ये आपका लास्ट टाइप है। और देखो यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो है न्यूमरेटर में वहां पर भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है, नीचे भी इरेशनल नंबर है, और जो ऊपर न्यूमरेटर में जो इरेशनल नंबर है उसमें दोनों में कोफिशियंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी डिफिकल्टी लेवल जो है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ज्यादा है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके फोर मार्क्स में आते हैं। श्योर शॉर्ट है कि फोर मार्क्स में आएगा, वन टू थ्री में बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चंस की। अच्छा, पहले तो देखो रूट 48, रूट 48 को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, जो भी नंबर है रूट 48 तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। रूट 48 को अगर हमें ब्रेक करना है तो हम क्या ब्रेक करेंगे, देखो रूट 48 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 का रूट बाहर आएगा क्या होगा 4, ये हो गया 4 रूट 3, और फिर आएगा आपका रूट 18, रूट 18 को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं, ये हुआ हमारा 9 इंटू 2, तो ये हो गया 9 बाहर आ गया 3, 3 इंटू 2। तो चलो हमने पहले रूट 48 और रूट 18 को हमने ब्रेक कर लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, ओके, अपॉन रूट 48 की वैल्यू क्या आई थी, 4 रूट 3 आई थी, 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, ये हमारा बना जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये बना। अब हम इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मेथड क्या है, रैशनलाइजेशन फैक्टर विद द अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस है इट मीन्स कि माइनस से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, ये देखो फोर रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू, ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, फोर रूट थ्री माइनस थ्री रूट टू, और ये नीचे वाले में कौन सा लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, अगेन यहां पे सेम फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो फोर रूट थ्री इसका स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू इसका स्क्वायर।
अब देखो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करो, उसके सारे जो अभी एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करो, टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3, 4√3 क्या आएगा 16, 16 3 = 48, फिर 4√3 − 3√2 तो कितना आया 12, 12√6, 4 3 = 12, 12√6, फिर 5√2 × 4√3, 5 4 = 20, 20√6, फिर देखो 5√2 × 3√2, तो 5 3 = 15 और 15 2 = 30, ये आया हमारा −30। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे हम लोग, 4√3 square 48 अगेन एंड 3√2 square, तो ये हो गया 18। इसको सॉल्व करेंगे आंसर 48 − 30 कितना हुआ 18, −12√6 + 20√6 कितना हुआ ये +8√6, 20 में से 12 माइनस करो 8 आएगा 8√6 ठीक है, अपॉन 48 − 18 यहां पे भी हमारा आ गया 30। इस पूरे में से हमारे कॉमन क्या आ जाएगा जो हमारा आंसर आया, अब इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो इसमें अगर हमें कॉमन लेना है तो हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 9, 9 प्लस 4√6 अपॉन 30, इसको कट करो कितना हो गया 15 आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, तो रिक्वायर्ड जो हमारी आंसर होगी फाइनल आंसर वो आएगी 9 + 4√6 / 15, दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। ओके वेल, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपके पास जो भी बुक्स है उसमें से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप निकालिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने तो हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है, और मैथ्स तो बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आती, ठीक है। तो आपके पास जो भी बुक्स है उसको निकालो और देखो कि अब आपसे वो सब क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं। नहीं हो रहे फिर से वीडियो में वापस जाओ, उसका पैटर्न समझो, उसका लॉजिक समझो, फिर से क्वेश्चंस को ट्राई करो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।